हम एक नया और सुंदर डिजाइन लेके आए हैं। आप लोग इसे जेंट्स, लेडीज, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। हमने किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप लोग बॉर्डर बना लेंगे। हमने 8 सिलाई उल्टा उल्टा बिना है। अब यहाँ से बिनाई शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल दिया, धागा पीछे, फंदे को सीधा लेंगे और दो बार घुमाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, तीन फंदों का डिजाइन बनेगा। एक डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरीके से दो बार घुमाया, फिर दो फंदे सीधे, फिर उसी तरीके से दो डिजाइन कंप्लीट हो गए, दो बार घुमाया, फिर दो फंदा सीधा। इसी तरीके से पूरी रो हम बना लेते हैं। लास्ट के फंदे को सीधा बिनेंगे। पहली रो कंप्लीट हो गई। अब ये सेकंड रो, पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल देंगे। अब ये दो फंदों को हम उल्टा बिनेंगे, एक दो, और जो दो बार घुमाया हुआ फंदा था इसको इस तरीके से बिना बिने हुए निकाल देंगे। तीन फंदों का डिजाइन है, यहाँ पर एक डिजाइन हमारा कंप्लीट होगा। फिर उसी तरीके से दो फंदे उल्टे, तीसरे फंदे को बिना बिने हुए इस तरीके से निकालेंगे, वही फंदा जो दो बार हमने घुमाया था। फिर दो फंदे उल्टे, तीसरे फंदे को इस तरीके से निकाल देना है। फिर दो फंदे उल्टे, तीसरे फंदे को इस तरीके से निकाल लेना है। लास्ट के फंदे को सीधा बिन लेंगे। अब ये तीसरी सिलाई, थर्ड रो, पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल देंगे। फिर जो एक दो बार घुमाया वाला फंदा था इसको हम धागा पीछे कर लेंगे, ये फंदे को इस तरीके से निकाल देंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर ये फंदे को निकाल देंगे, ये दो फंदे सीधे, एक निकाल दिया, दो फंदे सीधे, एक निकाल लिया, दो फंदा सीधा। निकालना वो वाला फंदा है जो हमने दो बार घुमाया था। फंदे हमारे तीन के मल्टीप्लाइज के हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि तीन फंदों का डिजाइन आएगा। लास्ट के फंदे को सीधा मिल गया। अब ये फोर्थ सिलाई। अब देखिए चौथी सिलाई में हमें पहला फंदा ये निकाल लेना है। अब ये फंदा जो था हम बिना बिने हुए जिसे निकाल रहे हैं, ये तीसरा वाला फंदा है, तो इसको हम इस तरीके से पीछे से इस सिलाई में डाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा, फिर ये आगे वाले फंदों को इस तरीके से, एक दो, ये तीन फंदे हैं, तीन फंदों को हम उल्टा बिन लेंगे, एक दो तीन। फिर इसी तरीके से करना है, ये फंदा अपने आप बड़ा दिख रहा है क्योंकि हमने दो बार घुमाया था और दो बार ये फंदा बिना हुआ नहीं है, तो इस तरीके से निकालेंगे, ढीला है। ये दो फंदों को इस तरीके से निकाल के ये फंदे हमें पीछे करने हैं, इस तरीके से पीछे कर लिए। अभी तीन फंदों को उल्टा बिन लेंगे, इस तरीके से। फंदे आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से लेंगे। फंदे सिर्फ लेने हैं तीन के मल्टीप्लाई के हिसाब से, तब हमारा डिजाइन सही बैठेगा, क्योंकि तीन फंदों का डिजाइन है। लास्ट के फंदे को
सीधा बिन लेना है। अब हमारी फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई, इस तरीके का हमारा डिजाइन बनेगा। अब फिर जो नीचे से बिना था वही रिपीट होगा। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल दिया, फिर दो फंदे सीधे, एक दो। ध्यान देंगे जो ये फंदा था यहीं पे घुमाना है, जो नीचे से हमारा डिजाइन आ रहा, ये फंदे को इस तरीके से लेंगे, इसमें दो बार घुमा लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, इस फंदे में फिर दो बार घुमा लेना है, एक बार दो बार इस तरीके से। घुमाना कहाँ पर है ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा डिजाइन आया इस डिजाइन वाले फंदे में दो बार घुमाना है, और बाकी जो दो फंदे हैं ये सीधे बिन लेने हैं, एक दो, ये फंदे में दो बार घुमा लेना है। सिलाई पूरी करते हैं। सिक्स रो, पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल दिया। अब ये घुमाया वाला फंदा है, इसको बिना बिने हुए निकाल देंगे इस तरीके से, फिर दो फंदे उल्टे, फिर ये घुमाया वाला फंदा निकाल देंगे, फिर दो उल्टे, फिर ये घुमाया वाला फंदा निकाल दिया, फिर दो उल्टे, फिर ये फंदे को निकाल देना है। अब ये सेवंथ रो, सेवंथ रो में फर्स्ट फंदा बिने बिने हुए निकाल देंगे, दो फंदे सीधे। अब ये फंदा हमने निकाला था, दो बार घुमाया वाला फंदा है, इसको इस तरीके से निकाल देंगे, फिर दो फंदे सीधे। फंदा किसे निकालना है ध्यान रखिएगा, ये वाला फंदा निकालना है जिसमें डिजाइन आ रहा है, ये निकाल दिया, फिर ये दो सीधे, फिर निकाल दिया, फिर दो सीधे। सात सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब ये एट्थ रो, अब ये फंदे को हमें इधर करना है और ये दो फंदे इधर लाने हैं, एक दो, ये दो फंदे ले लिए, ये फंदे को इस तरीके से निकालेंगे, इसे पीछे ले लेंगे, फिर ये फंदों को ले लेंगे। अब ये तीन फंदों को उल्टा बिन लेंगे, एक दो तीन, फिर इसी तरीके से करेंगे। ये देखिएगा, ये जो फंदा है जो हमने दो बार ये निकाला हुआ फंदा है बिना नहीं था, वो फंदे को इधर लाना है, दो फंदों को इधर ले आना है, दो फंदे हैं, दो फंदे ले लिए, इस फंदे को इस तरीके से निकालेंगे, इसको यहाँ ले लेंगे, फिर ये फंदे, फिर ये तीन फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। फिर इसी तरीके से ये फंदे इधर ले लेने हैं और ये फंदे को यहाँ ले लेना है। अब ये समझ में आ गया होगा, ये सिलाई हम पूरी कर लेते हैं। आठ सिलाई का डिजाइन है, आठ सिलाई पूरी हो गई, यानी कि एक डिजाइन हमारा पूरा हो गया इस तरीके से। अब एक सिलाई हम उल्टी उल्टी बिन लेते हैं, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। लास्ट का फंदा सीधा। अब एक सिलाई उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा बिनेंगे,
डिजाइन 8 सिलाई का है और दोनों साइड आएगा, उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी। दो सिलाई हमने उल्टी उल्टी बीन ली हैं। अब यहाँ से फिर डिजाइन शुरू होगा। पहला फंदा निकाल लेंगे, फिर ये फंदे को इसी तरीके से बिनेंगे जिस तरीके से नीचे से बिना था। सीधा लिया, दो बार घुमाया, फिर दो फंदे सीधे, फिर इसी तरीके से डिजाइन रिपीट होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ नीचे से पहले ये तिरछा लिया था, अब ऊपर वाले में जो हमने सेकंड मक किया था ये चार सिलाई के बाद, ये वाला पहले होगा क्योंकि डिजाइन को इस तरीके से आना है। अब इधर को घूमेगा, ये वाला पहले और ये वाला बाद में, ये चार सिलाई पहले बिनी जाएंगी और ये सिलाई चार बाद में। अब इसे पूरा बना लेते हैं। बनने के बाद ये डिजाइन बहुत सुंदर लगता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।